हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। षष्ठ श्रेणी पिला माने आज आम तुम गणित बहीर जो अभ्यास कार्य 2.4 रही तो तार समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आज आम ये वीडियो रे बहुत भल भाव बुझा। ठीक अच्छे, तो देख तो पूर्व आमको प्रथम बुझी नवा ग सागु कौन है। तुम मैंने पंचम श्रेणी में पढ़ी थो तो ग सागुर पूरा नाम हूँ कौन ना गरिष्ठ साधारण गुणनीयक। तो तुम मैंने गुणनीयक जाथ साधारण गुणनीयक आउ गरिष्ठ साधारण गुणनीयक कौन आम आउ थे टी भल भाव बुझीद। ठीक अच्छे, तो देख तो आमर ग सागु मान कौन ना गरिष्ठ साधारण गुणनीयक है। तो तुम मैंने मुझे कहमी पाँच गुणनीयक लेख, तो पाँच गुणनीयक किए आस एक पाँच आसव तर सतर गुणनीयक कहमी एक आत आस कारण एगुड़ी हूँ गोटे गोटे मौलिक संख्या। ठीक अच्छे, तो जदि मु जौगिक संख्या कहमी तो तार गुणनीयक आम दुईट रु अधिक आसर मुझे कह आठ है एट, तो एट्र गुणनीयक के आस एक दुई चार आठ आसला। ठीक अच्छे, तो जदि मुझे कहमी आ गए छर गुणनीयक, तो छर गुणनीयक एक दुई है छसब। ठीक अच्छे, तो ये हूँ कौन आठर गुणनीयक ये हूँ छर गुणनीयक। तो तापर देख आम फास्ट गुणनीयक बाहर कले, तो तापर बाहर करवा धर सागु सागु मान कौन साधारण गुणनीयक है। तो तुम मैंने पंचम श्रेणी में पढ़ी थो तो साधारण गुणनीयक कौन ना जदि आम आठ आउ छर साधारण गुणनीयक देखा ना जो गुणनीयक गुड़िक उभय गुणनीयक हो देख एक आम एक आठर गुणनीयक दुईर गुणनीयक दुई मध्य आठर गुणनीयक दुईर गुणनीयक जो छर गुणनीयक तापर देख तीन अच्छी छर गुणनीयक कि आठर गुणनीयक ना तो तीन आसवन चार आठर गुणनीयक अच्छी छर गुणनीयक ना तो आठ भी आस जो चार आसवन आठ छ आसब ना। देख साधारण गुणनीयक किए आईला एक दुई, तो साधारण गुणनीयक भितर जी सबुठ बड़ तो गरिष्ठ मान हूँ कौन सबुठ बड़, तो साधारण गुणनीयक भितर जी सबुठ बड़ तो सी आमर हो कौन ग सागु। तो ग सागु है आमर के दुई, तो मैंने आठ आउ छर ग सागु हो गला दुई है। तो मैंने जाच है ठीक अच्छे, तो तापर तुम बहरे आउ जो दे सब प्रक्रिया तो ताकू टे बुझी नवा, तो तापर अभ्यास कार्य करा। तो देख दे मौलिक गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली है, तो मौलिक गुणनीयक विश्लेषण प्रणाली कौन ना देख धर जो ये जो दे चबिश आ चालीस ग सागु निर्णय कर है। तो तुम मैंने कौन कर ना चबिश को मौलिक विश्लेषण में प्रकाश कै तुम ये काट मौलिक संख्या द्वारा, तो दुईरे आम काटिले चबिश को आमर के बार हम तो बार को जदि पुणी काटा तो आमर हम के पुणी जी छ को दुई में काटा आमर है तीन, तो यहाँ है तार मौलिक विश्लेषण प्रणाली। तो आम कौन करवा दुई गुण तीन जदि आम करवा आम चबीस पाइबा, तो सी चबीसटा को सी मौलिक विश्लेषण खोलला दुई गुण तीन से चालीस को काटले आमर हम दुई गुण दुई पाँच गुण दुई दुनिया चार दुनिया आठ आठ पंचा चालीस। तो तापर इटे जो मौलिक विश्लेषण बाहरला तो तहार भी साधारण गुणनीयक आम बाहर कर देख साधारण मौलिक गुणनीयक मान किए ना जोटा एथिरे भी थिबो देख एथिरे तीनटा दुई अच्छी एथिरे मध्ये तीनटा दुई अच्छी, तो मौलिक गुणनीयक मान रे चल जीव दुई 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 तीनटा दुई, तो तीनटा दुईर गुणफल आमर हूँ आठ, तो गसा हो गला आठ है ना। तुम मैंने एमती भी काट शिखी चबीस आउ चालीस को एमती काट दुई काटिले दुई बार दुने चबीस कोड़े दुने चालीस, तो ये काटू थो जपर्यंत दुईटांग संख्या काटू सी हो तार गस तो तुमने जाच है। तो ये आम तार अभ्यास कर देख एक नंबर देख पंसठ हजार छः दस संख्या सतैश द्वारा विभाज्य तेने पंसठ हजार छः दस निकटतम एपरी दुईटी संख्या लेख व बाहर कर जहाँ सतैश द्वारा विभाज्य हो। देख मुझे तुमको कहबी आठ हूँ आमर चार द्वारा विभाज्य है, तो आठ रमि एक पाख संख्या कह जहाँ चार द्वारा विभाज्य हो, तो आम कौन करवा ना आठ चार मिसेद ये हो बार कि आम कौन करवा आठ रु चार फेड़ीदा तो ये हो चार,
तो यही दुटा संख्या भी आमर कौन चार द्वारा विभाज्य हेबो। जो संख्याटी आमर जहाँ द्वारा विभाज्य होता से ही संख्यार आम पुणी से जोग कले आम आउ गोटे संख्या पाइबा जोटा कि से संख्या द्वारा विभाज्य हेबो। तमें आम एट लिखा देख तो दुईट संख्या बाहर करवा तो लिखा 65610 संख्याटी 27 द्वारा विभाज्य तेने यार निकटतम 27 द्वारा विभाज्य संख्या दुईट हूँ कौन ना गोटे से 27 फेड़दा आ गोटे से 27 मिसेद तो से दुईट संख्या होशेदे एति बाहर है। देख टू आई तो टू आई जो दे दुईट क्रमिक संख्यार गसा को निर्णय कर है तो तुम मैंने मन रख दुईट क्रमिक संख्यार गसा को सर्वदा व सब बड़े एक बाहर क्रमिक संख्या मान पाँच आउ छ तो ये दुईट संख्यार गसा को एक हम कि सात आउ आठ तो ये दुईट संख्यार गसा को भी एक हम पखापाखि दुईट संख्यार गसा को सब बड़े एक हम है। देख तीन नंबर दे बृहत्तम संख्या द्वारा 245 और 1029 को भाग कले प्रत्येक स्थल में पाँच भागशेष रो तो देख आमर प्रत्येक स्थल के पाँच भागशेष रोचे मुझे तुमको गोटे संख्या कहबी नौ कहबी है तुमको कहबी नौटा आठ द्वारा विभाज्य हम कि हेनी तो जदि आम नौ को आठ हर तो आम कौन हम आठ के आठ पड़ तो भागशेष के नौ आठ गला एक तो जो भागशेष आम बढ़ुच तो ताकू जदि आम नौ फेड़ी दवा तो नौ एक गला आठ रहा जो संख्याटी हम से संख्याटी एमर यो संख्या द्वारा भाग करते से भाग हो मैंने एवं आम आठ हरण आठ करवा तो आठ के आठ पड़गला भागशेष जीरो गला तो जिते बड़े भागशेष बढ़ुना तो से संख्याटी विभाज्य होनी भागशेष बढ़ुच्छे तो आम कौन करवा ना भाज्य रू से भागशेष टी फेड़ दवा तो फेड़ दे आमर विभाज्य हो ठीक अच्छे तो आम यही प्रश्नटी कोई है तो आम प्रत्येक स्थल भागशेष पाँच रोच तो आम कौन करवा ना 245 पाँच फेड़द 1029 पाँच फेड़द जो दुईटा संख्या बाहर तो से दुईटा संख्या विभाज्य हो तो देख यार उत्तर कौन करवा ना प्रथम आम फेड़दे 245 पाँच 240 1029 पाँच फेड़दे हम 1024 तो आम कौन करवा ना एवं 240 आउ हजार जो चबीस कौन बाहर करवा गसा को बाहर करवा है तो मैंने गसा को बाहर कर से पचार क्यों बृहत्तम संख्या तो बृहत्तम संख्या जो दे तुम मैंने सब गसा को ही बाहर कर तो देख तुम्हें मैंने यहाँ हजार चबीस आउ 240 गसा को बाहर कर देख तो से मानकर गस के बाहर 40 बाहर तो 40 बाहर मान तुम्हें मैंने कौन करना 240 और 1024 गस गला 40 तो 245 और 1029 को 16 द्वारा भाग कले प्रत्येक स्थल में पाँच भागशेष रहा तो देख आम यू प्रमाण कर देखा प्रत्येक स्थल में पाँच भागशेष रोचना तो आमर के रहा 16 बढ़ला तो आम कौन करवा ना 245 को 16 हर है तो 16 के आमर 16 पड़ा तो 24 रु 16 गले आमर 8 गला 5 85 षोल पंचा अशी बढ़ला के पाँच देख भागशेष पाँच बढ़ला तो आम कौन कलना ये पाँच को 245 फेड़देले बोली तो आमको सहज है बाहर करने देख चार नंबर दे दुईटी टैंकर यथाक्रमे 850 लिटर और 680 लिटर पेट्रोल आसे तुम्हें एभली पेट्रोल रखा पात्र आंथे प्रत्येक टैंकर पेट्रोल पुनः थे माप करहब है तो देख गोटे टैंकर आ 850 आ गोटे टैंकर आ 680 है तो एमती तुम गोटे पात्र आँ पात्र जो जो लिटर जो अच्छी पेट्रोल ताकू मापी पार आ जो 680 जो अच्छी लिटर पेट्रोल ताकू मापी पार ठीक अच्छे तो कौन करवा ना 850 और 680 गसा को बाहर करवा है तो देख यहाँ मौलिक विश्लेषण से बाहर कर तो तुम मैंने चाहिए तुम हिसाब से तुम जमी चाहिए सेमती ए दुटा संख्यार गसा को बाहर कर तो देख ए दुटा संख्यार गसा को आमर के तो तुम मैंने बाहर कर गसा को जीक होतीक लिटर पात्र आनले तो तुम मैंने दुटा को पूर्ण मात्रा रे मापी पार बुझिपार देख पांच नंबर दे क्यों बृहत्तम संख्या द्वारा
398 436 और 542 को भाग कले यथाक्रमे 7 11 15 भाग शेष बढ़ुच्छ। तो देख जोठारे भाग शेष बढ़ुव ना तो तुम्हें मैंने कौन करना भाज्य रु प्रथम से वियोग कर मानने 398 रु 7 वियोग करह 436 रु 11 वियोग करह 542 रु 15 वियोग करह तापर जो संख्या बाहर से तीन टा संख्यार गसा को बाहर कर तो प्रथम देख वियोग करदा है सूचना देखिए यकती वियोग कर वियोग कला जो तीन टा संख्या पाइब तीन टाइर गसा को है तुमने गसा को बाहर कर तो गसा को बाहर के बाहर देख तुमने निजे गसा बाहर कर तो यार गसा को बाहर 70 है तो गसा को जेहेतु 70 है तो मैंने आम लिखा 17 जो संख्याटी 17 संख्या द्वारा ये तीन टाँग को भाग कले प्रत्येक स्थल भाग शेष 7 11 15 रहा देख 6 नंबर 6 नंबर दे गोटे कोठरी दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता देखा दैर्घ्य है 5 मीटर 25 सेमी प्रस्थ है 6 मीटर 75 सेमी आउ उच्चता है 4 मीटर 50 सेमी तुम्हें एभली एक बृहत्तम बाड़ी ठीक कर जो थे कोठरी लंब प्रस्थ उच्चता पूर्ण थर में मपा जा पार तो तुमने कौन कर ना ये देख मीटर आउ सेमी दीटा एकक तुमने यहाँ गोटे एकक प्रकाश कर 5 मीटर 25 सेमी जा तो आमर हो 525 सेमी 6 मीटर 75 सेमी जा तो आमर हो 675 सेमी आउ 4 मीटर 50 सेमी जा आमर हो 450 सेमी तो यही तीन टाँगर कौन बाहर कर गसा बाहर कर देख तो तुमने गसा बाहर कर तो यही तीन टाँगर गसा को यही काढ़ तो देख गसा को तुम हम 75 है तो मैंने 75 सेमी लंबर बाड़ी आवश्यक है 75 सेमी लंबर बाड़ी आने तो आम तीन टाँग लंब दैर्घ्य उच्चता को आम मापी पारिबा है देख 7 नंबर 7 नंबर दे उदाहरण नहीं प्रत्येक उक्ति ठीक कि ना परीक्षा कर प्रत्येक उक्ति तीनोटी उदाहरण दि है देख करे दुईट भिन्न मौलिक संख्यार गसा को एक अटे है दुईट भिन्न मौलिक संख्या तो तुमने जान मौलिक संख्यार गसा को सब बेले एक ही हम तो तुमने नहीं जीव है जेकोसी दुई दुईट मौलिक संख्या नहीं कि तुमने प्रमाण कर देख मौलिक संख्यार गसा को एक हम देख ये लिखे तीन आउ सात तो तीन सात जदि आम बाहर करवा तो तीन सात आम कौ संख्या द्वारा कटो कौन गोटे संख्या द्वारा कटवानी एक को छाड़ी केवल से एक कटो तो तीन आउ सात गसा के एक से भाई 11 19 आम जब नवा तो आंकर गसा को एक हम 23 29 नवा आंकर गसा को तापर देख ख नंबर दे दुईट परस्पर मौलिक संख्यार गसा को एक अटे है दुईट परस्पर मौलिक है तुमने उदाहरण नहीं कर देख ख नंबर ठीक अच्छे 4 9 18 55 8 27 है एगुड़िकर तुम्हें गसा को बाहर कर देख गसा को एक हम तापर देख ग नंबर जो दे गोटे युग्म संख्या गोटे अजुग्म संख्यार गसा को गोटे युग्म संख्या हेला तो देख गोटे युग्म संख्या आ गए अजुग्म संख्या यही दुईटा संख्या को नहीं तुम्हें प्रमाण कर तो से गसा को सब युग्म संख्या हम बोली सी पचार गोटे नहीं प्रमाण करवा धर गोटे 4 युग्म संख्या 5 अजुग्म तो यही दुईटार गसा को देख गोटे कटो कि एक कटो एक छड़ा कौन कटोनी तो यही जो 4 5 गसा को एक है एक हूँ गोटे कि संख्या अजुग्म संख्या तो सी कहला युग्म हम बोली तेनाटा कौन अच्छी भूल अच्छी तुमने जेकोसी गोटे युग्म अजुग्म यार उदाहरण नहीं जीवर देख घ नंबर दुईट क्रमिक युग्म संख्यार गसा को दुई अटे दुईट क्रमिक युग्म संख्या मैंने पाखापाखि युग्म संख्या दुईटा नब देख तार गसा के धर दुई नवा 4 नवा ये दुईटा गसा को देख दुई में कटो दुई के दुई दुई दिन 4 तो गसा को दुई है जदि आम 4 आउ 6 नवा तो ये दुईटा गसा को देखा दुईरे दुई दिन 4 दुई तीन 6 गसा को दुई है देख दुईट पाखापाखि युग्म संख्यार गसा को दुई हूँ तो ठीक अच्छे है देख उ दुईट क्रमिक अजुग्म संख्यार गसा को दुई हम है तो से भाई दुईट क्रमिक अजुग्म संख्या नवा धर तीन नवा 5 नवा तो ये दुईटा गसा को कैसे एक हम तो सी कहला दुई हम भूल अच्छी है तो तुमने ये उदाहरण नहीं कि प्रमाण